सरकार ने पत्थरबाज फारूक अहमद डार को 10 लाख का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। आपको थोड़ा सा याद दिला दें, फारूक अहमद डार ये वही व्यक्ति जो कि सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहा था, उसे मेजर गोगोई ने जीप से बांधा था और न केवल खुद सुरक्षित बाहर निकले थे बल्कि अपनी पार्टी को भी बचाया था। और उसके बाद से ये क्रिटिसिज्म हुआ था, सेना का क्रिटिसिज्म हुआ था और ये तक कहा गया था कि इसे मुआवजा दिया जाना चाहिए, राज्य मानवाधिकार आयोग ने कह दिया था। लेकिन क्योंकि इसका ये तर्क दिया था कि ये एक पत्थरबाज है, मुआवजा किस बात का, तो अब राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। डार को सेना ने जीप के आगे बांध दिया था, मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था और सड़कों पर घुमाया था। डार को कथित मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को लेकर उस वक्त खासा विवाद भी हुआ था। सेना और सरकार ने उस मेजर का समर्थन और सम्मान भी किया था जिसने कश्मीरी युवक डार को मानव ढाल बनाया था।